सो बायोम्स आर लाइक रीजन, और इकोसिस्टम क्या है उसका स्पेसिफिकेशन. तो इकोसिस्टम्स कैन बी द डिफाइंड डाइवर्सिटीज विद इन बायोम. तो जब हम बायोम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो हम किस तरह का जनरलाइजेशन लेकर पढ़ेंगे, जैसा आप फिजियोग्राफिक रीजन में पढ़ा था. आई थिंक विद दिस आउट ऑफ कंटेक्स्ट एग्जांपल द थिंग्स हैव बिकम इजियर. टेक्निकल टर्म होता है, रिवर इकोसिस्टम को लोटिक बोलते हैं, स्टैंडिंग इकोसिस्टम को लेंटिक बोलते हैं. वी कैन ऐड दैट बिकॉज देर आर सर्टन स्पेसिमेन ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इन आर कंट्री. आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट. गेंजेटिक डॉल्फिन इज अ नेशनल एक्वाटिक एनिमल. And by default, when I have to mention Gangetic dolphin, I need to take care of the biome that falls into tropical deciduous category. So deciduous to forest. So deciduous as forest biome can incorporate a lotic habitat that incorporate Gangetic dolphin. अच्छा यहाँ पर एक और specification. आपको learn क्या करना है? At what is the only thing that we have to learn? I'm repeating it again. As I introduce you to the biomes of India, Ministry of Environment, Forest, Climate Change gives me 5 biomes. The only thing that you have to learn, ki jab ye topic cover ho, aaj to nahi ho payega, kal khatam ho jayega. Once we are done with this topic, I pick up map of India. Jaise mujhe clarity se physiographic region samajh mein aa raha hai, jaise mujhe clarity se ab climatic region samajh mein aa raha hai, ya drainage basin samajh mein aa raha hai, वैसे ही आई शुड बी मेंटली इन द पोजिशन ऑफ क्लासिफाइंग, ये वाला मॉइस्ट एवरग्रीन हुआ, ये वाला सेमी एवरग्रीन हुआ. आई शुड बी इन द पोजिशन ऑफ टेकिंग, दैट इज लर्निंग. अब उसका ट्रीज के नाम और एनिमल के नाम तो याद करने पड़ेंगे. एनिमल विल नॉट क्रिएट मच ट्रबल, क्योंकि इंडिया के जो हेट्रोट्रॉप्स रेपिटेटिव इन नेचर इज जस्टिफाइड विद नेशनल एनिमल. नाम बताओ, नेशनल एनिमल टाइगर. टाइगर इज ओमनी प्रेजेंट. हमारे पास मोर देन 900 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं आज की डेट में कंट्री में, अकाउंटिंग फॉर सम 5% प्लस ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. हम 1, 2, 3, 4, 900 तो याद नहीं करेंगे, बट मैप साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन साइट, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट एलिफेंट रिजर्व, इस तरह से करके वी विल बी कंफर्टेबल विद सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया. सोच कर देखो थोड़ी देर के लिए. व्हेन आई टेक टाइगर, वेदर आई गेट ऑन टू कॉर्बेट नेशनल पार्क, आई एम इन माउंटेन. I go to Sariska Ranthambor, I'm in drier, desert, peripheral area. I go to Manas Kaziranga or I go to Periyar, I'm right there with the par moist climatic location. बिल्कुल plateau interiors पे आ जाओ, पन्ना, map site number 12, पन्ना पर आ जाइए, और you get on to the coastal areas, I should not miss it out, Sundarbans. माने आप country wide travel कर लो, आपको tiger दिखाई दे रहे हैं. So animals are not going to create much trouble, barring of course some exception of specific specimen. क्योंकि हम यही वाले सारे terms use करेंगे. India is a tropical country, that too monsoonal. मतलब हम warm भी हैं और हमारा wetter condition भी है. So we are biodiversity hotspot. तो जो number of animals और plants हम लिखेंगे 5, 6, 10, उससे ज्यादा कभी भी नहीं. They definitely don't represent all. बट दे रिप्रेजेंट द मेजर वन. और जितने भी हेट्रोट्रॉफ के नाम आपको लिखवाएंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे रेफरेंस में आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. बिकॉज आई हैव टू लर्न रिकवरी प्रोग्राम. अपार्ट फ्रॉम टू फ्लैगशिप रिकवरी प्रोग्राम, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, वी हैव 21 नॉन फ्लैगशिप रिकवरी प्रोग्राम. तो कम से कम वो 21 हेट्रोट्रॉफ मेरे राडार पर तो होने चाहिए. दैट समथिंग कॉल्ड नीलगिरी था, रेड पांडा और लायन और नदन टेरापेन, क्लाउडेड लेपर्ड, कहां पर? तब तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, वेयर वी आर मोबिलाइजिंग द रिकवरी प्रोग्राम. सो दैट इज हाउ वी ट्राई टू लर्न. तो क्लाइमेट का पूरा रिमाइंडर आएगा, सो आई एम नॉट रिपीटिंग क्लाइमेट एट ऑल. सीधा सीधा हेडिंग बनाओ, बायोम्स ऑफ इंडिया. बायोम्स ऑफ इंडिया डेफिनेशन लिखवा देते हैं जो आपको अभी समझाया. बायोम्स ऑफ इंडिया पॉइंट वन लिखेंगे. बायोम्स आर डिफाइंड टू बी, biomes are defined to be biotic provinces involving recognizable homogeneity. Biotic provinces having recognizable homogeneity.
स्टार मार्क पॉइंट टू बी रिटन नाउ विद इन अ गिवन बायोम देयर कैन बी मल्टीपल ब्रैकेट डाइवर्स क्लोज द ब्रैकेट इकोसिस्टम्स एज वेल नेक्स्ट पॉइंट पहली बार नाम लिख रहे हो पूरा नाम लिखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC आइडेंटिफाइज फाइव डिफरेंट बायोम्स इन द कंट्री सिर्फ फाइव होता तो हम 1, 2, 3, 4, 5 लिखवा देते सब कैटेगरीज हैं तो फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे साथ फ्लो चार्ट क्रिएट करो बड़े पेज पर क्रिएट करना इट्स अ बिग फ्लो आई एम नाउ जूमिंग इट अप हेयर वन बाय वन फिर जूम आउट कर देंगे ठीक है ट्रॉपिकल एवर ग्रीन आई एम फर्स्ट पिकिंग अप दिस कॉलम ठीक हाउ मेनी सब कैटेगरीज आई डिवाइड ट्रॉपिकल एवर ग्रीन इनटू नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ए मॉइस्ट एवर ग्रीन सो आई एम राइटिंग ई जी फॉर एवर ग्रीन B, semi-evergreen. C, dry evergreen. And D, with a star mark, littoral. लिख लिया तो go ahead देना, फिर हम next column create करेंगे. This will be our base flow chart. Tropical evergreen is four categories. मॉइस्ट एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन ड्राई एवरग्रीन एंड लिटोर और ऐसे भी नंबर कर लो हाउ मेनी बायोम्स वी विल बी डिवाइडिंग आवर कंट्री एज पर नोडल मिनिस्ट्री 5 तो ये मेरा कौन सा कैटेगरी है नंबर 1 आई विल नाउ बी गोइंग टू नंबर 2 कैन आई प्रोसीड वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स कैन आई प्रोसीड आ रहे हैं कॉलम नंबर 2 पे विच इज दिस सेकेंड बायोम दैट द नोडल मिनिस्ट्री हैज गिवन अस अभी जूम करने की जरूरत नहीं है बस कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि डिस्टिंक्शन क्लियरली रहे I have got tropical deciduous. Tropical deciduous के दो prominent variety हैं फिर से A और B लिख देते हैं moist deciduous and dry deciduous. Moist deciduous and dry deciduous. Generalized बहुत important है ये and specialized. अभी के लिए सिर्फ principal categories, कुछ और division नहीं We want to first create the flowchart. ट्रॉपिकल थॉर्नी जेनरलाइज थॉर्नी एंड स्पेशलाइज थॉर्नी लिख लिया आगे बढ़े अच्छा अब मेरे पास है सब ट्रॉपिकल मुंटेन इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं फिर जूम आउट करके दिखा रहे सब ट्रॉपिकल मुंटेन एंड हिमालयन अच्छा सब ट्रॉपिकल मुंटेन को डिमार्केट करने के लिए अगेन वी कैन डिवाइड इट इंटू 3 सब कैटेगरी सो विच बायोम नंबर इट इज बायोम नंबर 4 नोडल मिनिस्ट्री ने हमें 5 बायोम दिए हैं तो फोर्थ कैटेगरी इज सब ट्रॉपिकल माउंटेन हाउ मेनी 2 सब टाइप्स वी कैन डिमार्केट इफेक्टिविटी जोन एडवांसिंग मॉनसूनल एंड रिट्रीटिंग मॉनसूनल एंड फाइनली नंबर 5 हिमालयन हाउ मेनी कैटेगरीज वी कैन डिवाइड हिमालयन इंटू 3 आई विल राइट इट एज एबीसी नाउ ए Northwestern Himalayan, B, Northeastern Himalayan, C, Trans, zoom out कर दे थोड़ा categories को demarcate करना है सब categories बहुत जरूरी हैं यही आपको learn करना है actually. If I am comfortable with the 5, when I use the term evergreen for forest. It means 2 things. ध्यान से सुनकर देखे हैं Evergreen forests are defined to be the forest that have leaf cover throughout the year. It remains evergreen. आराम से समझ में आता है Evergreen can have 2 types. एक careful. I have got different varieties of plants standing together in a given location. दोबारा से बोल रहे हैं I am having different varieties of plants, बिल्कुल अलग अलग specimen, different species of plants standing together in a given location, wherein some plants are shedding the leaf in a particular season, when the other plants are with leaf cover, by the time the second variety starts shedding the leaf, the first variety starts regenerating,
इसी सीक्वेंस को अप्लाई कर दो, कैन आई से सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट विल बी एवर ग्रीन इन्वॉल्विंग मिक्स्ड वैरायटी ऑफ डेसीडुअस प्लांट्स। अब अपने आप क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डेसीडुअस प्लांट? डेसीडुअस प्लांट्स आर दी प्लांट्स दैट शेड्स देयर लीव इन अ पर्टिकुलर सीजन। रीजन शेडिंग के बहुत सारे होते, बट जो एक सबसे कॉमन रीजन है वो ये दैट आई प्लांट फोटोट्रॉफ रिक्वायर्स वॉटर फॉर माई फोटोसिंथेसिस, सो आई नॉर्मली, अब ये बड़ा जनरल स्टेटमेंट है, सारे प्लांट के साथ नहीं जाता, आई नॉर्मली शेड माई लीव ड्यूरिंग ड्राई सीजन सो दैट आई कैन मिनिमाइज ट्रांसपीरेशनल लॉस एंड आई कैन सर्वाइव। बट देर आर डिफरेंट रीजन ऑफ डेसीडुअस प्लांट्स शेडिंग देयर लीव्स। तो पहला टर्म फिर से रिपीट कर रहे हैं, डेसीडुअस। डेसीडुअस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? The plants that sheds their leaf in a particular season, माने annual cycle में एक बार वो अपना leaf shed करेंगे, they are called deciduous plant. What are evergreen plant? The plants which are adapted to maintaining their leaf cover always, they don't shed their leaf. तो उस तरह के plants को क्या बोलेंगे? Evergreen. And the plants that sheds their leaf in the season cycle, they are called deciduous. अच्छा, अब दोनों टाइप ऑफ प्लांट समझ गए, अब वापस चले जाओ एवरग्रीन फॉरेस्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट कैन बी देयर? आई एम गोइंग वेरी स्लो। नंबर वन, प्योर स्टैंडिंग। प्योर स्टैंडिंग का मतलब एक वैरायटी। प्योर स्टैंडिंग एवरग्रीन प्लांट्स डेवलपिंग एवरग्रीन फॉरेस्ट और मिक्स्ड वैरायटी ऑफ deciduous plants developing evergreen forest। समझ में आ गया? Evergreen के दो मतलब। Are we comfortable all of us here? Evergreen has to be applied with two। Evergreen forest, हमारा पहला बायोम। अब इसको zoom up कर देते हैं, because we'll be concentrating on this। What is tropical evergreen? Tropical evergreen incorporate four different varieties for us। लिटोरल के साथ स्टार मार्क दिया, उसके बड़े सारे रीजन है, एक रीजन अभी हम समझ गए तो ऐड कर लेते हैं। मॉइस्ट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन आर विच टाइप ऑफ एवरग्रीन इन आर कंट्री? दे आर एवरग्रीन विच इंक्लूड्स वाइड वैरायटी ऑफ डेसीडुअस ट्रीज डेवलपिंग एवरग्रीन फॉरेस्ट। दोबारा से, वाइड वैरायटी लिखवाएंगे सब कुछ, डोंट वरी। Wide variety of deciduous plants, trees, developing evergreen forest. Littoral के साथ star mark क्यों किया है? पहला, just take one plant, बड़ा popular है। Sundarbans attain its name from Sundari. Sundari is a variety of mangrove. किस तरीके के trees हैं ये? Evergreen. They don't shed their leaves. So littoral किस तरीके का evergreen हो गया? Evergreen plants developing evergreen forest। और एक और बड़ा important reason है इसको star mark देने का, Indian State Forest Report, Indian State of Forest Report of Forest Survey of India 17th cycle 2021 report will be assessing। In accordance to that report, India का forest cover is approximately at 25%। जब आप ये 25% calculate करते हैं, then you take into consideration forest and tree cover। Forest cover के तीन categories हैं इसमें, dense forest, moderate forest and open forest। Open forest का formal constituent है mangrove। Technically world में mangrove is not counted as terrestrial plant। हमारे country में mangrove is official member of forest। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो लिटोरल को एक स्टार मार्क के साथ हमेशा अटैच करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हमारा आंसर इनकम्प्लीट होगा। ये तीन टर्म्स, सब ट्रॉपिकल, माउंटेन, मैप अपने सामने खुला रखो, सब ट्रॉपिकल, माउंटेन और हिमालयास को तो अपने राडार से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी जो तीन एक्सप्रेशन लिखे हुए, लैटीट्यूडनल मैप हमारे सामने है, हिमालयास कहाँ होना चाहिए हम विजुअलाइज करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ट्रॉपिकल थॉर्नी शुड बी रिलेटेड टू मरुस्थली। रन, थोड़ी देर सोच कर देखो,
मरुस्थली रन, मरुस्थली इज अ सैंडी डेजर्ट, रन इज सॉल्ट मार्शेस, मरुस्थली में जाएगा जेरोफाइट, प्लांट्स विच आर अडेप्टेड टू ड्राइयर कंडीशन, डीप रूट होते हैं उनके, नीडल शेप लीव्ड होती है ताकि दे कैन मिनिमाइज ट्रांसपिरेशनल लॉस. एंड सॉल्ट मार्शेस में किस तरीके के प्लांट होंगे, दे विल बी हेलोफाइट्स, द प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव सॉल्ट वाटर कंडीशन. सोचकर देखोगे यहां पर, यस नो, यस ऑल ऑफ अस. मतलब जब आप ट्रॉपिकल थॉर्नी की बात कर रहे हैं एज स्पेशलाइज्ड, तो आपको कहां जाना चाहिए, मरुस्थली और रन. और जब आप बात कर रहे हो जनरलाइज्ड, तो आपको कहां जाना चाहिए, ड्राउट प्रोन टेबल लैंड्स ऑफ द कंट्री. फटाफट से चारों नाम बता दो, छोटा नागपुर, दंड करनया, तेलंगाना एंड रेन शैडो इंटीरियर्स ऑफ सह्याद्री. बात समझ में आ रही है, यू हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ ओवरलैप. बड़े आराम से समझ में आएगा, प्लांट और एनिमल के नेम फिर हम हैंडल कर सकते हैं. डेसीडुअस फॉरेस्ट इज रिलेटिंग टू, डेसीडुअस फॉरेस्ट का जो ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव नेम है ना उसको एड करते हैं. वॉट इज ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट, इट इज ट्रॉपिकल मॉनसूनल हार्डवुड डेसीडुअस. इंडिया इज विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसूनल. तो ट्रॉपिकल डेसीडुअस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट. तो अगर हम ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट हैं, तो ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट हमारे कंट्री के मेजर पार्ट में होना चाहिए. माइनर पार्ट में क्या जाएगा, एवरग्रीन. बट एवरग्रीन के मेरे पास चार वैरायटी हैं, चौथी वैरायटी को थोड़ी देर के लिए रिजर्व में रखेंगे. विल ट्राई टू हैंडल मॉइस्ट, सेमी एंड ड्राई एवरग्रीन. मॉइस्ट एवरग्रीन, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इसलिए मैप ओपन करवाया, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए. क्लाइमेट पढ़ लिया तो बायोम का जो बेस है वो क्रिएट हो गया. मॉइस्ट एवरग्रीन विल बी कन्फाइंड इन द एरियाज of more than 250 centimeters of rain. Malabar Coast, major part of northeastern state, shabash, and oceanic islands. ठीक हो गया? अच्छा, moist evergreen को आप semi evergreen से separate कर रहे हो. तो semi evergreen is with that location where amount of precipitation can be up to 250 centimeters. बट मोर रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम. शाबाश. कोंकण कोस्ट एंड ब्रह्मपुत्र वैली, जो थोड़ा सा रेन शैडो पार्ट में पड़ रहा है. आर यू गेटिंग इट? एवरग्रीन ही है बट मालाबार और नॉर्थ ईस्टर्न ब्लॉक से थोड़ा सा ड्राई. और ड्राई एवरग्रीन कहां डालोगे, बताया अभी थोड़ी देर पहले. कोरोमंडल कोस्ट ड्राई क्यों, सोचकर देखो. आई रिसीव सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एज कोंकण. स्टैम्प का क्लासिफिकेशन रिकॉल करेंगे, कोंकण कोस्ट क्लाइमेट का क्या नंबर था, पिटाई कर देंगे, 9. और कोरोमंडल का क्या नंबर था, 11. 9 और 11 को हमने सिमिलर जज करा. व्हाई? अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज 100 to 200, दैट टू सीजनल. लेकिन कोंकण में प्रेसिपिटेशन इज ड्यूरिंग समर्स एंड कोरोमंडल में प्रेसिपिटेशन इज ड्यूरिंग विंटर्स. यस और नो? तो प्लांट्स के लिए समर को सर्वाइव करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, बिकॉज समर्स इज द टाइम व्हेन इवेपोरेशनल लॉस इज मोर. उस समय आप रहते हो ड्राई, प्रेसिपिटेशन इज इन विंटर्स. तो किस तरीका का प्लांट डेवलप होगा कोरोमंडल में, इट विल बी एवरग्रीन बिकॉज इट इज ऑल्सो लो लैटिट्यूड, इंसुलेशन सरप्लस, बट विल बी विद द स्पार्सर केनोपी. इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ड्राई एवरग्रीन. मैं आपको रिकॉल करो, मालाबार कोस्ट मॉइस्ट एवरग्रीन, कोंकण कोस्ट सेमी एवरग्रीन, कोरोमंडल कोस्ट ड्राई एवरग्रीन, सदर्न पार्ट मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगेन स्टैम्प क्लासिफिकेशन. सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जाएगा हिमालयाज के साथ, तो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश को हटा दो. ब्रह्मपुत्र वैली कहां जा रहा है, सेमी एवरग्रीन. तो ये जब दो ब्लॉक्स अलग हो गए तो कौन कौन से रह गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उन सबको कहां डाल दो, मॉइस्ट एवरग्रीन. कुछ बात समझ में आ रही है, ये चीज समझने की है. बाकी फिर दीज आर दी प्लांट्स एंड दीज आर दी एनिमल्स, वो तो फिर हमें याद करना. फाइव बायोम्स,
एक और पॉइंट बिफोर आई आस्क यू टू राइट, एम आई करेक्ट, ट्रू फॉल्स बता देना, टीएफ टाइप कर देना वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स, 5 बायोम्स की लिस्ट आपके सामने है. Am I correct in saying that if it is a 15 marker question where there is a limited scope for me to get into so much of details, क्या हम examiner को ऐसे करके लिख सकते हैं, 5 biomes can be categorized as latitudinal and altitudinal, subtropical, montane and Himalayan. दोनों तो गए altitudinal, yes or no? और बाकी जो तीन अभी हमारे राडार पर है, दे आर लैटिट्यूडनल. जैसे ही आप इसको लर्न कर लोगे, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा व्हाट वी हैव टू डू विद बायो. क्वेश्चन वन, आर वी कंफर्टेबल विद दैट वी आर लर्निंग बायोटिक रीजन्स ऑफ इंडिया नाउ, दैट ईच ऑफ सच बायोटिक रीजन्स कैन इन्वॉल्व मल्टीपल इकोसिस्टम्स, जिसमें लोटिक इकोसिस्टम दैट इज रनिंग वाटर इकोसिस्टम हमारे रेफरेंस में बार बार आएगा. These biomes are categorized by the nodal ministry. ये biome की study मुझे lead देगी. Number one, I am done with the biotic regions of India. Number two, I will be aware of vegetation type of India, wildlife of India. तो मुझे अपने आप से एक lead मिल जाएगा to talk about Forest Conservation Act 1980, Wildlife Protection Act 1972. तो I can easily make it up as an applicable purview. That is how.